हेलो एवरीवन, माय सेल्फ विनोद कुमारी, सात्विक रसोई में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं एक रिफ्रेशमेंट ड्रिंक जिसका नाम है आम पन्ना। तो वीडियो देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अगर आपको ये रिफ्रेशमेंट ड्रिंक अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो आम पन्ना बनाने के लिए हमें जो इंग्रेडिएंट चाहिए वो हैं 1 kg मैंगो लिए हैं मैंने। इसको अच्छे से धो के मैंने साफ़ कर लिया है। और आम पन्ना बनाने के लिए अगर आपने 1 kg मैंगो लिया है तो 1/2 kg आपको चीनी चाहिए और 1 बाउल भर के मैंने पुदीने का लिया है और छोटे 2 चम्मच मैंने काला नमक, छोटी 2 चम्मच सफ़ेद नमक, छोटी 2 चम्मच इलायची पाउडर और छोटी 2 चम्मच काली मिर्च पाउडर और 2 छोटे चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर। तो सबसे पहले हम मैंगो को पील कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम मैंगो को पील कर लेंगे। ये सारे के सारे मैंगो मैंने पील कर लिए हैं। अब हम इसका पल्प निकाल लेंगे, इसको रफली काट लेंगे। ये सारे के सारे मैंगो मैंने रफली काट लिए हैं। अब हम एक प्रेशर कुकर रखेंगे और इस फ्लेम को मैं ऑन करूंगी और ये मैंगो इसमें डाल दूंगी। एक कप इसके अंदर पानी डालूंगी, इससे ज़्यादा पानी हम इसके अंदर नहीं डालेंगे और इसको हम हिला देंगे। अब हम लिड को लगा देंगे और जब प्रेशर बन जाएगा उसके बाद हम टोटल 10 मिनट तक इसको कुक होने देंगे इसके अंदर। दूसरी साइड हम फ्लेम को ऑन करेंगे और इसके अंदर डालेंगे 2 कप पानी। और 1/2 kg हम इसमें चीनी डाल देंगे और इसकी एक तार की चाशनी बनाएंगे। दस मिनट हो चुके हैं, चेक कर लेते हैं। हमारा मैंगो पल्प जो है वो बहुत अच्छे से गल गया है। ये अब इसको थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। ये पुदीने की पत्तियां हम पीस लेंगे। थोड़ा थोड़ा करके हम सारा पीस लेंगे। ये थोड़ा सा मैंगो पल्प ऊपर डालेंगे। अब इसके बीच में मसाले डालेंगे हम। 2 छोटे चम्मच इलायची पाउडर, स्वाद के अकॉर्डिंग नमक डाल देंगे हमें। एक चम्मच मैंने नमक डाल दिया, सफ़ेद नमक। 1 चम्मच मैंने काला नमक, 1 छोटी चम्मच काली मिर्च पाउडर। अब थोड़ा थोड़ा करके हम सारा ये पुदीना भी और ये सारा पल्प को ग्राइंड कर लेंगे।
वैसे ही सारे प्यूरी को मैं ग्राइंड कर लूंगी पुदीने की पत्तियों के साथ। एक तार की चाशनी बनके तैयार हो चुकी है। ये देखिए एक तार बन रही है, इसका मतलब हमारी चाशनी तैयार है। अभी इसको मैंने ग्राइंड कर लिया है मसाले डाल के, पुदीना डाल के और वो मैंगो वाली प्यूरी को। अब इसको हम छानेंगे ताकि इसके अंदर जो रेशे वगैरह हों वो निकल जाएं। बस ये एंड का जो बचा, इसकी आप वैसे भी चटनी भी बना सकते हो, अगर फेंकना ना हो तो चटनी वगैरह बना के इसको यूज़ कर लीजिए। और इसी तरीके से मैं सारा का सारा जो अपना प्यूरी बनी है इसको मैं छान लूँगी। ये बचे रेशे जो हैं इसको हम निकाल देंगे। सारे के सारे पल्प को मैंने छान लिया है और अब मैं ये जो चाशनी बनाई है इसको इसके बीच में ऐड कर दूंगी। अब हम फिर से गैस को ऑन करेंगे और इसको 5 मिनट तक पकने देंगे। धीमी आंच के ऊपर 5 मिनट तक इसको पकने देंगे और फिर हमारा आम पन्ना का कंसंट्रेट तैयार हो जाएगा। 5 से 7 मिनट इसको पकते हुए हो गए हैं और ये आम पन्ना हमारा रेडी हो चुका है। और एक और तरीका इसको चेक करने का, इस तरीके से आप देखोगे तो इसमें भी एक तार बनती है। जैसे एक तार बनना स्टार्ट हुआ हमारा आम पन्ना तैयार हो गया। तो देखिए आम पन्ना का कंसंट्रेट बनके तैयार हो गया है। अब इसको हम ओवरनाइट ठंडा करेंगे और एक कांच की बोतल में भर के इसको स्टोर कर लेंगे और 2 महीने तक आप इसको फ्रिज में रख के यूज़ कर सकते हो। जब भी आपका मन करे तो 2 मिनट में ये ड्रिंक जो है वो तैयार हो जाता है और गर्मियों के लिए तो ये बहुत ही हेल्दी ड्रिंक है। और अब मैं आपको इसको कैसे बनाना है ये बताऊंगी, इस ड्रिंक को कैसे तैयार करना है। देखिए लगभग 2 बड़े चम्मच इसमें डालिए। एक दो आइस क्यूब आप इसमें डाल सकते हो और इसके बीच में पानी डालिए। मैंने कोई भी इसमें कलर नहीं डाला है। तो आपका ये ड्रिंक तैयार हो गया। अभी आम पन्ना का ये ड्रिंक 2 मिनट में तैयार हो गया है। इसी तरीके से जब भी आपका मन करे तो 2 मिनट में इसको तैयार कर सकते हैं। अभी मेरे से रुका नहीं जा रहा, मैं इसको पी के आपको दिखाती हूँ कि कैसा बना है। अमेजिंग, बहुत ही ज़्यादा अच्छा बना है, बहुत टेस्टी बना है। और इसी कंसंट्रेट को आप अगर 1 साल के लिए रखना चाहते हो स्टोर करके तो एक ही चीज़ इसमें डालनी पड़ेगी, वो है एसिटिक एसिड। और वो 1 चम्मच डालने से आपका ये जो ड्रिंक है वो 1 साल के लिए आप फ्रिज के बाहर भी सेफ रह सकता है। तो बहुत ही अच्छा ड्रिंक है और आप भी अपने घर में इसको ट्राई करिए, खुद भी पीजिए और अपने मेहमानों को भी पिलाइए। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझे बताइएगा कि आपका ये रिफ्रेशमेंट ड्रिंक जो है वो कैसा बना। थैंक यू सो मच।